हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 में रिलीज हुई अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा रोड फिल्म डॉग, जिसका डायरेक्शन किया है चैनिंग टैटम और रीड कैरोलिन ने। खास बात यह है कि इस फिल्म में हीरो जैक्सन ब्रिग्स का रोल भी चैनिंग टैटम ने ही निभाया है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाली फिल्म की कहानी के बारे में बता देते हैं। फिल्म की शुरुआत हीरो जैक्सन ब्रिग्स के सीन के साथ होती है, जो कि पहले अमेरिकी सेना में था, लेकिन फिर किसी मिशन पर सर में चोट लग जाने के कारण उसको सेना के लिए अनफिट करार देकर आर्मी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये दिखाया गया है कि ब्रिग्स एक बार फिर आर्मी में वापस जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती, क्योंकि उसको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को अपने कमांडिंग ऑफिसर से अटेस्ट करवाना होता है, जिसके लिए ऑफिसर तैयार नहीं होता। पर ब्रिग्स का फैसला पक्का था, इसलिए अपने कमांडिंग ऑफिसर को मनाने के लिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन ऑफिसर उस किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देता है। यहाँ तक कि ब्रिग्स अपने मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर होने का दावा करने के बावजूद ऑफिसर उसको घर जाने की सलाह देकर खुद भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह ऑफिसर ब्रिग्स से मिलने के लिए खुद ही आता है और उसको आधे घंटे के अंदर बटालियन पहुँचने के लिए कहकर निकल जाता है। फिर अगले सीन में ब्रिग्स बटालियन में पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसको अंदर जाने से रोक दिया जाता है। उसका सीधा सा कारण यही था कि अब ब्रिग्स आर्मी का हिस्सा नहीं था, लेकिन तभी उसका कमांडिंग ऑफिसर वहाँ आकर उसको अपने साथ अंदर आने की परमिशन दिलवा देता है। ब्रिग्स ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि आखिरकार उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया था और अब एक बार फिर उसकी आर्मी में एंट्री होने जा रही। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू हो चुका था। दरअसल आर्मी में ब्रिग्स का एक साथी हुआ करता था रॉड्रिग, लेकिन एक एक्सीडेंट में अब उसकी मौत हो चुकी थी। रॉड्रिगेज के पास एक डॉग लूलू थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ब्रिग्स इस बात को अच्छी तरह से जानता था, यहाँ तक कि बटालियन में भी ये बात सभी को मालूम। इसीलिए आने वाले संडे को न्यू वेल्स के आउटस्कर्ट्स में होने वाले रॉड्रिगेज के फ्यूनरल में लूलू को ही गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए चुना गया था। लेकिन अब समस्या ये थी कि रॉड्रिगेज के मरने के बाद लूलू इतनी खूंखार हो चुकी थी कि किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही। अभी तक 13 आदमियों को उसकी वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका था, तो ब्रिग्स को उसको सही सलामत बाय रोड न्यू वेल्स तक पहुँचाना था। उसको प्लेन से इसलिए नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि प्लेन की जर्नी उसको पसंद नहीं थी। अब शर्त ये थी कि अगर ब्रिग्स इस मिशन को पूरा कर लेता है तभी कमांडर उसकी एप्लीकेशन पर विचार कर सकता है, इसलिए मन ना होते हुए भी वो इस काम को हाथ में ले लेता है। लेकिन कमांडर ब्रिग्स को लूलू से संभल कर रहने की चेतावनी पहले ही दे देता है और किसी भी हालत में उसको पब्लिक के बीच में ना ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती थी। पहले तो ब्रिग्स को ये काम इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि वो लूलू को पहले से ही जानता था, लेकिन जब लूलू बाकी लोगों की तरह उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर देती है तो ब्रिग्स को उसे अपनी गाड़ी में एक पिंजरे में बंद करके ले जाना पड़ता है। और बस इसी के बाद शुरू हो जाता है ब्रिग्स और लूलू की दुश्मनी दोस्ती का इस शानदार सफर। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये लूलू बेचैन होकर अपने पिंजरे के अंदर ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। परेशान होकर ब्रिग्स उसका माउथ गार्ड निकाल देता है, जिससे कि लूलू को कंफर्टेबल महसूस हो सके। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर ब्रिग्स को एक शूटिंग रेंज क्लब नजर आता है, जहां जाकर वो कुछ देर तक शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। लेकिन इधर लूलू कुछ ज्यादा ही एक्टिव और भौंकते हुए अपने पिंजरे को तोड़ देती है। लेकिन जब ब्रिग क्लब से बाहर आता है तो उसको लूलू को देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लूलू अपने दांतों से गाड़ी की सीट्स को फाड़ने में लगी हुई। इसके बाद ब्रिग्स लूलू को नींद की दवाई खिला देता है। दवाई खाने के बाद लूलू बिल्कुल ही शांत होकर लेट जाती है। ब्रिग काफी देर से गाड़ी चला रहा था और अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो शहर में पहुंचकर एक बार में जाता है और शराब पीने लगता है। लेकिन बार से निकलने के बाद जब वो लूलू को पानी पिला रहा होता है तो उसको वहां पर दो लड़कियां मिलती हैं, जो ब्रिग्स को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती हैं, जहाँ पर तीनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। पर जिस वक्त ब्रिग्स उन लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उसी समय बाहर से लूलू के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। लूलू के शोर करने का कारण जानने के लिए जैसे ही ब्रिग्स बाहर निकल कर आता है तो उसको अपनी गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा मिलता है, जो शायद एक डॉग लवर था, क्योंकि जिस तरह से लूलू गाड़ी में बंद होने के कारण भौंक रही थी वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो ब्रिग्स को पत्थर दिल बताकर उससे लूलू को बाहर निकालने के लिए कहता है। पहले तो ब्रिग्स उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी से लूलू को इस तरह से और ज्यादा देर तक नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और लूलू छलांग मारकर बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर निकलती है वो सबसे पहले उसी आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। लूलू के हमले से ब्रिग उस आदमी को तो किसी तरह बचा लेता है, लेकिन इस भयानक नजारे को देखकर वो दोनों औरतें डर के मारे अपने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ब्रिग्स गाड़ी चलाते हुए लूलू से बात करता जा रहा था, लेकिन तभी लूलू एक जगह पर जंगल के बीचों बीच में चलती गाड़ी से कूदकर घनी झाड़ियों के पीछे भाग जाती है।
और तब ब्रिग्स भी अपनी गाड़ी रोक कर लुलू के पीछे भागना शुरू कर देता है। काफी दूर तक जाने के बाद उसको जंगल के बीचों बीच एक घर नजर आता है। ब्रिग्स वहां जाकर लुलू को ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता उसकी पीठ पर किसी तरह की चीज आकर टकराती है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर ब्रिग अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। ब्रिग को कुछ भी समझ नहीं आता, तभी पीछे से उसको किसी आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है जो उससे वहां आने का मकसद पूछ रहा होता है। तब ब्रिग्स उससे लुलू के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रिग की बातों पर उस आदमी को यकीन नहीं होता और वो उसको धक्का देकर कुर्सी से नीचे गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। लेकिन उस आदमी के जाते ब्रिग्स कोशिश करके अपने आप को आजाद कर लेता है। वहीं पड़े हुए एक धारदार हथियार को लेकर उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर घर के अंदर शांत बैठी लुलू के ऊपर चली जाती है। वो इशारे करके लुलू को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लुलू उसको अनदेखा करके दूसरी तरफ चली जाती है। इन सबके बीच में ब्रिग को घर के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई देती जो उस आदमी से बहस करती हुई ब्रिग्स को आजाद करने के लिए कह रही थी। अब ब्रिग्स कुछ कदम और आगे बढ़ता है, तब उसकी नजर उस औरत के ऊपर जाती जो कि लुलू को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। इस नजारे को देखकर ब्रिग्स हैरान रह जाता है। तभी उस औरत की नजर ब्रिग्स पर चली जाती है। ब्रिग की भी उत्सुकता बढ़ चुकी होती है कि आखिर लुलू उस औरत के साथ इतनी शांत होकर कैसे बैठ सकती है। तब वो औरत उसको बताती है कि उसको कुत्तों के बारे में अच्छी जानकारी थी और इसी के साथ वो ये भी कहती है कि लुलू को एक आरामदायक बिस्तर की जरूरत थी। वो लुलू के पैरों में लगी चोट को भी ठीक कर देती है। इसके बाद ब्रिग्स और लुलू दोनों ही उस बुजुर्ग दंपति के साथ कुछ अच्छा समय गुजारने के बाद एक बार फिर अपनी जर्नी को शुरू करते हुए वहां से निकल जाते हैं। लुलू के आराम को ध्यान में रखते हुए रात गुजारने के लिए ब्रिग्स लुलू को लेकर एक होटल में जाता है, लेकिन यहाँ सबके सामने खुद को अंधा एक्स आर्मी मैन दिखाने का नाटक कर रहा था, क्योंकि इस तरह से अपनी इमोशनल कहानी सुनाने के कारण ब्रिग्स और लुलू को उस होटल में रुकने के लिए फ्री में कमरा भी मिल जाता है। इस जगह पर ब्रिग्स और लुलू के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है। लुलू भी धीरे धीरे ब्रिग्स के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी, लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब ब्रिग्स लुलू को लेकर कमरे से बाहर निकलता है तो होटल में एक मुस्लिम आदमी के कपड़ों की वजह से लुलू उसके ऊपर हमला कर देता है। लुलू को ऐसा करने से रोकने के लिए अब ब्रिग्स तेजी से उसके पीछे भागता है और उस समय पर पहुंचकर लुलू को काबू में कर लेता है। इन सबके कारण होटल में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था, लेकिन जैसे ही सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के बाद ब्रिग्स को एहसास होता है कि सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि शायद उनको इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि एक अंधे आदमी को अचानक से सब कुछ कैसे दिखाई देने लगा था। इसके बाद के सीन में ब्रिग्स के साथ पुलिस स्टेशन में पूछताछ होते हुए दिखाया गया है। पहले तो ब्रिग्स अपने पक्ष में कई तरह के बहाने देकर बचने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन जब उन लोगों को ब्रिग्स के आर्मी का होने के बारे में और लुलू को अपने साथ लेकर चलने का कारण पता चलता है तो उसको आजाद कर दिया जाता है। वहां से आजाद होने के बाद ब्रिग्स और लुलू एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ब्रिग्स लुलू को उसके भाई न्यूक से मिलवाने के लिए घर के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। उस घर का मालिक लुलू को अच्छी तरह से पहचानता था और लुलू भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। तब वो आदमी ब्रिग्स को लुलू के साथ दोस्ती करने के लिए उसको ढेर सारी ट्रिक्स बताता है। उसके बाद लुलू और ब्रिग्स वहां पर ज्यादा देर तक रुकने की बजाय निकल जाते हैं, क्योंकि ब्रिग्स का लुलू को लेकर समय पर पहुंचना बहुत जरूरी था। लेकिन रास्ते में तेज बारिश होने के कारण ब्रिग्स की गाड़ी खराब हो जाती है और फिर उन दोनों को रात एक गैराज टाइप के घर में गुजारनी पड़ती है। लेकिन चूंकि समय तेजी से गुजरता जा रहा था, इसलिए ब्रिग्स और लुलू सुबह जल्दी ही वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ब्रिग्स और लुलू की जर्नी के कुछ मजेदार पलों को दिखाया गया है। इसी तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हुए आखिरकार वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां लुलू के मालिक यानी रोड्रिगेज के अंतिम संस्कार का काम चल रहा था। लेकिन वहां पर अपने मालिक रोड्रिगेज के जूतों को देखे जाने से लुलू काफी इमोशनल हो जाती है और उसी जगह पर चुपचाप जाकर बैठ जाती है। लुलू को इस तरह से देखकर ब्रिग्स को काफी बुरा लग रहा था। वो रोड्रिगेज के घर वालों के हाथों में उसका सामान देकर लुलू को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तब आता है जब ब्रिग्स को उसका कमांडर फोन करके लुलू को लेकर बेस कैंप में आने के लिए कहता था। ब्रिग्स जानता था कि आर्मी के नियमों के मुताबिक जो भी कुत्ते आर्मी की सेवा से आजाद कर दिए जाते थे आर्मी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें मार दिया जाता था, और अब लुलू के साथ भी यही सब कुछ होने वाला था। लेकिन ब्रिग्स का दिल इसके लिए गवारा नहीं था, इसलिए वो लुलू को भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लुलू उसको छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। हार कर ब्रिग्स को उसको लेकर आर्मी कैंप में जाना ही पड़ता है, जहां पर वो उसको आर्मी के एक जवान के हाथों में सौंप कर जाने लगता है। लेकिन ब्रिग्स और लुलू दोनों ही एक दूसरे से जुदा होने के कारण बहुत बेचैन थे। आखिर में ब्रिग्स से रहा नहीं जाता, थोड़ी देर में लुलू को वापस लेकर आने को कहकर उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन फिल्म में आगे दिखाया गया है कि वो लुलू को लेकर फिर कभी बाहर नहीं लौटता। इसका मतलब साफ था कि लुलू को अपने साथ रखने के लिए उसने फिर से आर्मी ज्वाइन करने का अपना इरादा छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी अमेरिकन फिल्म डॉग की पूरी कहानी का नरेशन। हमेशा की तरह हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और हाँ, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।